कुत्ते और इंसान के बीच गहरा रिश्ता होता है इन बेजवान जानवरों का कोई घर नहीं होता लेकिन इस दुनिया में कई ऐसे दरिया दिल इंसान हैं जो इन बेजवान कुत्तों का पेट भरते हैं और उनका ख्याल भी रखते हैं इन्हीं में से एक नाम है नब्बे साल की दादी कनक का जो रोजाना सुबह साढ़े चार बजे सैकड़ों आवारों कुत्तों के लिए खाना पकाती है और उनका बेहद ख्याल भी रखती है आपको बता दें कि दानी कनक कुत्तों के लिए रोजाना अलग अलग तरह का खाना बनाती है दादी की कहानी उनकी पोती ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर की है उनकी पोती सना ने जानकारी देते हुए है कि उनकी दादी के कई मेजर ऑपरेशन हो चुके हैं कई बार डॉक्टर्स ने उन्हें बेड रेस्ट पर भेज दिया है लेकिन वो अपने कुत्तों के लिए हर तरह की मुश्किलों से लड़ती हैं हैं वो सुबह बजे उठकर उनके लिए खाना बनाती सना ने यह भी बताया कि कि उनकी उनकी दादी का मानना है कि आज उनकी उम्र इतनी लंबी हुई है इसकी वजह ये बेजुआन डॉग्स हैं वो उनकी सेवा करने पर उन्हें दुआएं देते हैं दिलचस्प बात यह है कि पहले दादी को कुत्तों से जरा भी लगाव नहीं था जब उनकी पोती ने एक कुत्ते को पालने के लिए अपने घर पर लेकर आई उन्हें धीरे धीरे कुत्तों से प्यार होने लगा वो पिछले दो ढाई साल से सैकड़ों आवारा कुत्तों के लिए रोजाना खाना बनाती है आजदादी कनक के साथ उनकी पोती सना भी एनजीओ पाउस इन पड़ल चलाती है जिसके तहत आवारा कुत्तों को खाना खिलाने से लेकर उनका इलाज तक कराया जाता है उन्होंने उनके लिए एक शेल्टर भी खोला है यहाँ आवारा कुत्तों को रहने के लिए जगह दी जाती है आज नब्बे साल की बुजुर्ग का बेजवान और बेसहार जानवरों के लिए असीम प्यार दूसरों के लिए एक मिसाल बन चुका है